हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आरपीएससी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की टोटल 733 वैकेंसीज आई है। इसमें स्टेट सर्विसेज और सबऑर्डिनेट सर्विसेज दोनों को मिला के 733 वैकेंसीज है। आपने अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 18 अक्टूबर तक इसका आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आरपीएससी की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे 10-11 पेज का एक डिटेल्ड रिक्रूटमेंट पीडीएफ है, उसको जरूर पढ़िएगा। क्योंकि आप यूट्यूब पे देखते हैं फिर उसके बाद फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ लोग हो सकता है आपको सही बताएं, लेकिन आप इस पे रिस्क ना लें। एक बार पूरा उसको जरूर पढ़िएगा पीडीएफ को, और उसमें पूरा प्रोसेस दे रखा है कि किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, कितनी सीटें हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। और हम भी यहाँ टाइम टाइम पे जैसे आपको टेस्ट करवाते रहेंगे यहाँ पे भी डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, बाद में अप्लाई करते हैं तो आपको आपका जो सेंटर है वो दूर मिलता है। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखिए, इसकी तैयारी कैसी करनी है आप अपने लेवल पे खुद एक स्ट्रेटेजी बनाइए और इसकी तैयारी कीजिए। दूसरा जो सेलेक्ट हुआ है या जो टॉपर है पिछले बैच का, वो बताता है आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। वो आपके लिए जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी वैसा ही काम करे जैसा उनके लिए काम किया था। तो आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाइए, 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन कीजिए। एक चीज अगर आपको मैं सजेस्ट करना चाहूं तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको साथ लेके चलिए। जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है उनको पढ़िए, बाकी 2 दिन में आप रिवीजन कीजिए। और पॉसिबल हो तो एक स्लॉट निकाल लीजिए जिसमें आप पर्टिकुलर मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकें। अदरवाइज आपको टाइम टाइम पे हम यहाँ डिस्कस करते रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे आने वाले टाइम में। लेट्स बिगिन। वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये पूछा है कांस्टेंट प्राइस पे। देखिए, एक होता है करंट प्राइस, एक कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस पे पूछा है वर्ष 2022-23 में जो संशोधित अनुमान था उसकी तुलना में कितना अधिक है। ये पूछा गया है कि जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था कांस्टेंट प्राइस पे 2022-23 में जो संशोधित अनुमान था उसकी तुलना में 2023-24 में जो अग्रिम अनुमान है वो कितने परसेंट ज्यादा है। हम 2023-24 के अग्रिम अनुमान की बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो प्रचलित मूल्य है उनपे था ये सीआर इतने करोड़ रुपीज था, और कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो 8,42,621 करोड़, ये था कांस्टेंट प्राइस पे। जो कि 22-23 में जो संशोधित अनुमान है उसकी तुलना में ये 11.58% ज्यादा था, और जो कांस्टेंट प्राइस है वो 7.39% ज्यादा है। हमसे कांस्टेंट प्राइस पे पूछा है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बजट पे आगे आपको अलग से ही टेस्ट भी मिलेगा, और पूरे बजट और इकोनॉमिक सर्वे की अलग से आपको यहाँ पे क्लास भी मिलेगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर किस यूनिट का गठन किया जाएगा। राजस्थान सरकार अभी महिला सुरक्षा को लेकर एक नई यूनिट बनाने जा रही है, उसका नाम क्या है। देखिए, जो भी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस हैं या जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उनमें महिला और बालिका सुरक्षा के लिए एक पेट्रोलिंग यूनिट का गठन करने जा रही है राजस्थान सरकार, उसका नाम होगा कालिका यूनिट। डी इसका करेक्ट आंसर है। जर्मनी में आयोजित दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, ये पूछा है। तो देखिए, दूसरा ये जो विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई है कहां पे हुई है, जर्मनी में हुई है। अब इसमें महिलाओं का पूछा है, एयर पिस्टल का पूछा है, और उसमें भी गोल्ड मेडल किसने जीता है, ये अनुया प्रसाद ने जीता है। अनुया प्रसाद जयपुर की रहने वाली है और ये अभी किशोर ही है, किशोर अवस्था में, यह किशोर निशानेबाज कह सकते हैं आप। बी इसका सही आंसर है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये देखना है। कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। कांग्रेस का नागपुर सेशन कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ था 1920 में, और इस सेशन के बाद में जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी उनका जो गठन किया गया था वो भाषा के आधार पर किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। देखिए, जब कांग्रेस ने अपनी जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी उनका जो गठन किया वो भाषा के आधार पर कर दिया, लेकिन जब लोगों को लगा कि भाषा के आधार पर कर रहे हैं तो इन्होंने भाषा के आधार पर जब प्रांत के गठन की मांग की तो उसको कांग्रेस ने खारिज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। और ये जो दिसंबर 1948 में कांग्रेस ने इस मुद्दे को एकदम सिरे से जांच करने के लिए, इसमें पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया, इसको कहा जाता है जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इस कमेटी को जेवीपी समिति के नाम से भी जाना जाता है। इनके नेतृत्व में ये कमेटी अपॉइंट की थी और इन्होंने, ये दिसंबर 1948 में कमेटी बनाई थी, इन्होंने अप्रैल 1949 में इस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें भाषा के आधार पर जो स्टेट बनाना था, प्रांत के गठन की मांग थी, उसको खारिज कर दिया था। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए, प्रीलिम्स आप एग्जाम को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाइएगा, इधर से बुक खरीद लिया, उधर से नोट्स ले लिया, ऑनलाइन कुछ मिल गया वो पढ़ लिया, इस तरीके से मत कीजिएगा। एक सिंपल प्रोसेस फॉलो कीजिए। पिछले बार को निकाल दिया जाए तो लास्ट पिछले 5 साल में जनरल की कट ऑफ रही है 40-50 के बीच में, और ये 50 पिछले साल ही रही है, अदरवाइज उससे पहले 45% के आसपास ही कट ऑफ रहती थी। ये कह सकते हैं 75-90 के बीच में ही कट ऑफ रहा है, पिछली बार जरूर 100 के आसपास गया है। एससी एसटी की बात करें तो इनका 35 से और 40 के आसपास ही रहा है पिछले 5 साल का देखा जाए। लास्ट ईयर जरूर पेपर थोड़ा सा अलग था, फिर भी आप 40-50% कट ऑफ रहता है, तो 50 का टारगेट लेके चलिए। एग्जाम को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाइएगा, अदरवाइज फिर क्या है कि आप टेंशन में आ जाएंगे बाद में और पढ़ाई डिस्टर्ब होती है उससे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ये जो दे रखे हैं रूलर, इनमें से गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से संबंधित कौन से नहीं है? डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से नहीं है। प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, ये शासन प्रारंभ हुआ था मारवाड़ का जो मंडोर है और जालौर का भीनमाल। मारवाड़ में है मंडोर और जालौर में भीनमाल, यहां से शुरू हुआ था 8th century के आसपास से। 8वीं शताब्दी में भीनमाल पे अधिकार करके ही इसको अपनी राजधानी बनाया था, और इसके बाद प्रतिहारों ने उज्जैन, कन्नौज यहां तक अपना ये जो इनका साम्राज्य था उसको बढ़ाया था। मेनली तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य ही रहा है इनका। अल मसूदी थे, अल मसूदी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा था और राजा के लिए इन्होंने बोरा शब्द का यूज किया था। नागभट पष्ट थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे, वो थे नागभट्ट फर्स्ट थे ये इनके संस्थापक थे। बाद में प्रतिहारों का नाम बदलकर गुर्जर भी कर दिया गया था। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? अभी हाल ही में भारत की ये पहली नमो भारत रैपिड रेल चलाई गई है और ये अहमदाबाद और भुज के बीच में चलाई गई है। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। जो ये नैमित्तिक पदनाम है ये किसके लिए यूज लिया जाता था पूर्व मध्यकालीन राज्यों में? नैमित्तिक जो है ये एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिष हैं उनके लिए यूज लिया जाता था, जो मेनली राजकीय ज्योतिष थे
उनके लिए यूज लिया जाता था नैमित्तिक। ये आपके एनसीईआरटी से इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छठी से बारहवीं तक की वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, दो तीन साल उसमें लग जाते हैं, तो सिलेक्टेड पढ़िएगा जो आपके सिलेबस में वो ही पढ़िएगा। ये कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, प्राचीन अंचल और वर्तमान जिला दे रखे हैं, ये सही सुमेलित कौन सा नहीं कर रहा है। देखिए प्राचीन नाम सीवी, सीवी प्राचीन अंचल और अभी प्रेजेंट में है जो सीवी है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है, ये सीवी हुआ करता था प्राचीन अंचल। जांगलदेश ये बीकानेर सही है। सपाद लक्ष्य है ये सीकर और झुंझुनू नहीं है, ये था नागौर, जो अभी प्रेजेंट में नागौर है ये सपाद लक्ष्य था प्राचीन अंचल। अर्बुद है सिरोही, ये सही है, तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। देखिए जो सबॉर्डिनेट अलायंस है इसकी बात किसने की थी 1817-18 की संधि, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में 1817-18 की अधीनस्थ संधि किनके बीच हुई थी। जो सबॉर्डिनेट अलायंस था ये चार्ल्स मेटकाफ थे और इन्होंने राजपूताना की रियासतों के साथ ये अधीनस्थ गठबंधन की बातचीत की थी। इनको ये काम दिया गया था 1781 में। उस टाइम पे जोधपुर के जो राजा थे विजय सिंह, जोधपुर के राजा थे उस टाइम विजय सिंह, उन्होंने अंग्रेजों से संधि करने की कोशिश की थी। इसके बाद में 1786 में जोधपुर के महाराजा थे प्रताप सिंह और 1795 में जो कोटा के शासक थे वो मराठाओं के खिलाफ अंग्रेजों से समझौता करने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन सफल नहीं रहे थे। ये इसके बाद में उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में से सबसे पहले भरतपुर के जो महाराजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने सितंबर 1803 में भरतपुर के जो महाराजा थे रणजीत सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि पे हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 1803 में ही सितंबर में तो भरतपुर के महाराजा ने किए थे और नवंबर में अलवर के जो शासक थे बख्तावर सिंह, इन्होंने किए थे नवंबर 1803 में। दिसंबर 1803 में जयपुर के जो शासक थे जगजीत सिंह, उन्होंने किए थे और 1804 में धौलपुर के शासक थे कीरत सिंह, उन्होंने ये संधि की थी अंग्रेजों के साथ। और ये जो संधि हुई थी उस टाइम पे, ये काम तो चार्ल्स मेटकाफ को दिया था, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटिश जो कंपनी थी उसका गवर्नर जनरल कौन था ये याद रखना है। 1817-18 की जो अधीनस्थ संधि हुई थी ये आगे चल के, और ये 1803-4 में जब हुई उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्सली के उत्तराधिकारी थे, जो जॉर्ज वार्ले ने ही भरतपुर और अलवर के साथ संधियों को छोड़कर बाकी राज्यों के साथ संधियों को इसने बाद में रद्द कर दिया था। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। ये सब डिटेल में आपको मिल जाएगा आने वाले टाइम में, हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे डिटेल में, तो आप निश्चिंत रहें। अभी आप देख लें फिर आपको इसका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, ना कि क्वेश्चन और उसके नीचे आंसर, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। डिजास्टर मैनेजमेंट पर होने वाली एक्सरसाइज एक के, ये है एक के एक्सरसाइज, इसका आयोजन किस शहर में हुआ था। अभी ये डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक्सरसाइज हुई है एक्सरसाइज एक के का क्या मतलब है, एक के का मतलब, एक के इज ए तमिल वर्ड, इसका मतलब होता है यूनिटी। एक के एक तमिल वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, यूनिटी एकता, जो भारत के जो आपदा प्रबंधन समुदाय को एकीकृत करने के अभ्यास के उद्देश्य को ही दर्शाता है ये एक्चुअल में। और जो एनडीएमए है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसने भारतीय सेना की जो सदन कमांड है दक्षिण कमान है इसके सहयोग से चेन्नई में ये दो दिन का एक्सरसाइज किया था अभ्यास एक के। हाथ
हाल ही में किस रोग के उपचार में अभिनव प्रयोग हेतु राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में गोल्ड मतलब पहले नंबर पे, तो ये किस रोग के उपचार के लिए मिला है? ये सिलिकोसिस के लिए राजस्थान सरकार को इसमें राष्ट्रीय गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिलिकोसिस क्या होता है? सिलिकोसिस एक लंग्स डिजीज है। सिलिकोसिस इज ए लंग्स डिजीज, फेफड़ों की बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टली है, जो सिलिका धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो सांस के माध्यम से अंदर जाते हैं, और जो सिलिका धूल के कण है ये फिर एक यूं कह सकते हैं एक रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं, जो फेफड़ों में फिर वो गांठ बन जाती है, निशान बन जाता है, इस तरीके से फिर ये सिलिकोसिस होता है। तो इसमें राजस्थान को मिला है अवार्ड। वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए पुट से। इधर माउंटेन्स दे रखे हैं और ये किस देश में है ये दिया हुआ है, और 100% एक क्वेश्चन इस तरीके का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अल्बरूस जो माउंटेन है ये, इसको कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है, अल्ब्रुस कहां पे है? अल्ब्रुस एक्चुअली ये एक सुस्त ज्वालामुखी है, सुप्त ज्वालामुखी जो कॉकेस रेंज है, कॉकेस माउंटेन रेंज उसमें है। अब कॉकेस माउंटेन रेंज है उसके भी दो शिखर है, एक वेस्टर्न साइड का और एक ईस्टर्न साइड का। वेस्टर्न साइड का जो कॉकेस माउंटेन रेंज है उसकी हाइट है 5642, जबकि जो ईस्टर्न साइड का है ये 5621 मीटर है। कॉकेस कहाँ पे है? यूरोप और एशिया की सीमा ही कॉकेस के इलाके से गुजरती है। अब इस बात पे विवाद है अभी तक कि अल्ब्रुस यूरोप में है या एशिया में है, अल्ब्रुस यूरोप में है या एशिया में है, इस पे अभी विवाद है। तो अल्ब्रुस इसमें से कहाँ है? रशिया, जॉर्जिया के नजदीक है इसका बॉर्डर एक्चुअल में। किलिमंजारो की बात करें, किलिमंजारो ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है। किलिमंजारो क्या है? डोरमेंट वॉल्केनो है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक ज्वालामुखी है, तीन ज्वालामुखी शंकु है इसमें, वॉल्केनिक कॉन है, थ्री वॉल्केनिक कॉन्स हैं। वो कौन से हैं? ये कीबो, मवेंजी और शीरा। किलिमंजारो में तीन वॉल्केनिक कॉन है, कीबो, इसके अलावा मावेंजी एंड सीरा। ये तीन वॉल्केनिक कौन है? ये किलिमंजारो के हैं। ये अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन भी है, हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, और हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन भी है ये। पूरे वर्ल्ड का ये इकलौता हाईएस्ट सिंगल फ्री माउंटेन है, अबव सी लेवल अराउंड 5800 के आसपास है ये। दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है ये, और ये कहां पे है? तंजानिया में है ये। माउंट कुक की बात करते हैं तो इसको आओराकी इस नाम से भी पूछा जाता है कई बार, माउंट कुक को आओराकी या एओराकी। ये न्यूजीलैंड का सबसे हाईएस्ट है, किसका? न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। एक्चुअली ये जो सदर्न एल्पस रेंज है वो सदर्न एल्प्स रेंज में ही आता है ये। मैकिनले इसका पुराना नाम है, एक्चुअली पुराने सरकारी नाम माउंट मैकिनले है, अभी देनाली है इसको। इसको कई बार देनाली नाम से भी पूछा जाता है, देनाली। तो माउंट मैकिनले और देनाली ये एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका के देश का, और जो उत्तर अमेरिकी महाद्वीप है उसका सबसे ऊंचा पर्वत है ये, अमेरिका या फिर जो उत्तर अमेरिकी महाद्वीप है उसका। एक्चुअल में ये अलास्का में है। कहां पे है मैकिनले? अलास्का रेंज में। इस तरीके से हम देख सकते हैं, पहले में है फोर्थ, दूसरे में थ्री, थर्ड में फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ थ्री वन टू, ये इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर आएगा।
4312 ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसमें से देखिएगा जो इसके लिए सही मैच कर रहा हो, 4321 है या 12 है देखना पड़ेगा। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? एसिड रेन की बात हो रही है, एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन से पर्यावरण प्रदूषक इसमें से उत्तरदायी है? SO2 है, SO2 का जो पूर्ण रूप है ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रदूषकों में से एक है। अम्लीय वर्षा क्या है, जैसे नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से अम्लीय वर्षा होती है। अब इसका कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो उससे नाइट्रिक एसिड और जो गंधक का तेजाब बनता है वही एसिड रेन है। तो आप समझिए इसको, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड और गंधक का तेजाब बनता है। अरावली माउंटेन की जो अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही मतलब ज्यादा से कम, अवरोही क्रम देखना है। अरावली का सबसे ऊंचा पीक है, हाईएस्ट पीक जो है गुरु शिखर है, ये 1722 मीटर है, गुरु शिखर 1722 मीटर है। इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे तो शेर है, शेर ये भी सिरोही में है, गुरु शिखर भी सिरोही जिले में ही है, ये 1597 मीटर है। अभी जो नए जिले हैं वो उनपे एक कमेटी बना रखी है, तो एक अगले एक दो महीने में वो क्लियर हो जाएगा कि जितने अभी जिले हैं उनमें से कम होने हैं या इतने ही रहने हैं। तो ये नए जिलों का क्वेश्चन आ भी नहीं रहा एग्जाम में, आपका एग्जाम होगा फेब्रवरी में 2025 में। जब तक ये क्लियर हो जाएगा तो ये आपको अच्छे से और करवा दिया जाएगा, अभी निश्चिंत रहिए। जरगा है ये उदयपुर में है, 1431 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद जो अचलगढ़ है, अचलगढ़ भी सिरोही में ही है, 1380 मीटर। बी इसका ये करेक्ट आंसर आएगा, बढ़ते से कम। अदरवाइज बाकी में देखेंगे आप तो ये सीक्वेंस नहीं है, जैसे गुरु शिखर यहाँ लास्ट में दे रखा है, यहाँ गुरु शिखर लास्ट में दे रखा है, यहाँ पहले पे फिर उसके बाद अचलगढ़ और ये दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है और पढ़े जब अरावली की जो माउंटेन पीक है वो पढ़े तो आप नदन अरावली रेंज, सदन अरावली रेंज इस तरीके से पढ़ना आपको। जैसे नदन अरावली जो उत्तर पूर्वी अरावली है, उत्तर पूर्वी अरावली की बात करें तो रघुनाथगढ़ है सीकर में, खो जयपुर का, अर्शनाथ सीकर का, बैरोच अलवर का, या फिर इसके बैराट है जयपुर का, बानगढ़ अलवर का, जयगढ़ है जयपुर में। मिडल अरावली की बात करें तो जैसे अजमेर है, ये मिडल अरावली में आता है। अजमेर के जितने माउंटेन पीक है चाहे वो गोराम जी हो या फिर टाटगढ़ है, तारागढ़ है, नाग पहाड़ है, ये सभी मिडल अरावली रेंज में आते हैं। सदन अरावली की बात करें तो सिरोही उदयपुर के जो माउंटेन पीक है, जालोर इंक्लूडिंग, ये सभी राजसमंद जालोर, जैसे राजसमंद में है कुंभलगढ़, जालोर में है जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में रोजा भाकड़, ये सभी दक्षिण अरावली की चोटियां हैं। इवन दिलवाड़ा सिरोही का, माउंट आबू, ये सब सदन अरावली में ही आते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? देखिए वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपना जो विकास पूर्वानुमान है उसमें अभी रिसेंटली संशोधन किया है, क्योंकि पहले वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि भारत का जो विकास दर है वो 6.6% होगा, लेकिन अब इसको वर्ल्ड बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट में अपडेट किया है और इसमें बताया है कि कृषि में सुधार की वजह से इसमें एक तो एग्रीकल्चर में सुधार और जो सर्विसेज हैं उनमें मजबूती, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म और सर्विस सेक्टर में और मजबूती आएगी, इसकी वजह से ये 6.6 जो पहले बताया था अब इसको बढ़ा दिया है इन्होंने और 7% कर दिया है।
इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मिसमैच कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, ये देखना हमें। इधर डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं और इधर उनके मास्कट शुभंकर दे रखे हैं। भीलवाड़ा जिले का जो शुभंकर है ये पीकॉक मोर है। चूरू का कृष्ण मृग है ये सही है। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर का लायन नहीं है, ये सवाई माधोपुर का है टाइगर, बाघ। सवाई माधोपुर का क्या है, बाघ। सवाई माधोपुर का शुभंकर है। प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी है। तो ये तीनों सही है, सवाई माधोपुर का एक गलत दे रखा है। अगर आप इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, अजमेर का क्या है, खरमोर है, अलवर का सांबर है, चित्तौड़गढ़ का घोसिंगा है, जालौर का जो पूछा जाता है अक्सर भालू है, झालावाड़ का वो एक गागरोनी तोता है, जोधपुर का कुरंजा है, करौली का घड़ियाल है, कोटा का ऊदबिलाव है, नागौर राजहंस, प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी जो अभी हमने डिस्कस किया है, श्रीगंगानगर की बात करें तो चिंकारा है, उदयपुर का जो पूछ लिया जाता है अक्सर बिज्जू। तो ये आप शुरुआत डिवीजन से कीजिएगा, जो संभाग है उनके पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर जो इम्पोर्टेंट जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है उनका पढ़ लीजिए, तो बाद में आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपके पास टाइम है, आप पूरे भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ टेस्ट सीरीज में तो करवा दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप चाहें तो जो आपके सिलेबस में दे रखा है करंट अफेयर्स, अगर आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो DIPR की वेबसाइट पे आप रेगुलर विजिट करें, सुबह उठते ही या इवनिंग में सोते टाइम, जब भी आपको आपका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, बिना टाइम टेबल के तैयारी मत कीजिएगा। अदरवाइज आप कभी मार्केट जा रहे हैं, कोई सी बुक ला रहे हैं, कभी कोचिंग जा रहे हैं, कभी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, कभी जो मनचाहे बुक उठा के पढ़ रहे हैं, तो टाइम टेबल जरूर बनाइएगा। आप उसको फॉलो करें नहीं करें, कितना फॉलो करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन टाइम टेबल बनाइएगा। DIPR की वेबसाइट है, ये इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, इसकी वेबसाइट पे आपको अपने करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं राजस्थान के। अदरवाइज तो यहाँ पे आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे करवाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। एक जिला एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस कार्यक्रम के तहत जयपुर में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जयपुर का पूछा है, जयपुर का उत्पाद कौन सा है, तो जो ब्लू पोएट्री है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जयपुर का कौन सा है, ब्लू पोएट्री। अगर आपसे पूछा जाए अलवर का क्या है, अलवर का प्याज है, अजमेर का पूछा जाता है तो गुलाब है, कोटा का पूछा जाता है तो धनिया है, बीकानेर का पूछा जाता है मोठ है, चित्तौड़गढ़ का गुड़ है, या फिर बाड़मेर का पूछा जाता है तो अनार है, जयपुर का ब्लू पोएट्री है। ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 का परीक्षण किसने किया है, ये काफी चर्चा में है। इसरो ने किया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने, जो इसरो का PSLV है, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, इसको पृथ्वी के वायुमंडल में भी सक्सेसफुल इन्होंने पुनः प्रवेश करवा के एक और अचीवमेंट हासिल किया है, जिससे कक्षा में, इसकी कक्षा में अब कोई भी मलबा नहीं बचा है, इसको पुनः इन्होंने प्रवेश करवाया था। इसरो का है ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए राजमन्नार कमेटी का गठन किया गया था, राजमन्नार समिति का गठन किस पर्पज के लिए किया गया था। राजमन्नार कमेटी है, इसका गठन केंद्र और राज्य के संबंध की जांच के लिए किया गया था। जो संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, केंद्र और राज्यों के बीच बने रहने वाले संबंध है, उनपे उनके लिए ये कमेटी का गठन किया गया था, केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध। हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन, अभी वर्ल्ड का पहला ओम आकार का ये मंदिर है, इसका उद्घाटन किया गया है अभी कुछ टाइम पहले ही, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, लगभग 2000 स्तंभ है, 108 कमरे हैं, 135 इसकी फीट की हाइट है, और इसमें महादेव की मूर्तियां हैं, भगवान महादेव की 1008 मूर्तियां हैं इसमें, और 12 ज्योतिर्लिंग है। और ये किस शैली पे बनाया गया है,
नागर शैली पे बनाया गया है। जो नागर शैली है, जटिल डिजाइन होता है इसका, और भारतीय जो विरासत है भारत की, उसके सम्मान में लगभग 250 एकड़ में ये बनाया गया है। दुनिया का पहला है, राजस्थान के पाली जिले में, और पाली ऑप्शन में नहीं है, तो पाली में जगह है ये जाडन, जाडन जगह है पाली में, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लॉर्ड वेवेल निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान भारत के वायसराय थे? लॉर्ड वेवेल इनमें से कौन से घटना के टाइम पे भारत के वायसराय थे? कैबिनेट मिशन प्लान जो था, 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटिश सरकार ने पेश किया था। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता के दौरान जो पावर ट्रांसफर होगा, जो शक्तियों का स्थानांतरण सुगम बनाया जाए, उसके लिए ये कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था। उस टाइम पे वायसराय लॉर्ड वेवेली थे। भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में इसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके तीन साइड इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है? देखिए, आप इंडिया का मैप जरूर पढ़िएगा, राजस्थान और इंडिया दोनों का मैप अच्छे से देखिएगा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तुरंत मैप में देखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा, त्रिपुरा की बात करें तो इसके उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में इसके बांग्लादेश से सीमा लगती है। इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इसके असम और मिजोरम है, ये इसके ईस्टर्न साइड पे असम और मिजोरम है। अदरवाइज इसके नॉर्थ, वेस्ट और सदर्न साउथ में इसकी बांग्लादेश से सीमा लगती है त्रिपुरा की। एक और ऐसा स्टेट है सिक्किम। सिक्किम सिक्किम है तो इसका बॉर्डर किसके साथ लगता है? सिक्किम का बॉर्डर लगता है, देखिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ये सिक्किम है, तो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, इधर चाइना है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, या यूं कहें कि जो तिब्बत रीजन है जिसपे चाइना ने कब्जा कर रखा है, ऑटोनोमस रीजन बना रखा है चाइना का, वो है। साउथ ईस्ट की बात करें तो भूटान है, साउथ ईस्ट में भूटान है, और वेस्ट में इसके पश्चिमी साइड पे नेपाल है। तो सिक्किम की का भी बॉर्डर भी तीन देशों के साथ लगता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के नियंत्रक और महालेखक लेखा परीक्षक के बारे में सही है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उनमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कैग का पूछा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग है, भारत में एक कैग होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि देश में, भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 के में लिखा हुआ है। ऐसे ही राज्य में स्टेट लेवल पे क्या होता है, जैसे, नहीं ये तो कैग हो गया। अब हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कैग आर्टिकल 148 है, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो आता है आर्टिकल 76 में। 76 में दिया हुआ है कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा जो गवर्नमेंट को लॉ से रिलेटेड जो मैटर है उनपे मदद करेगा। अब ऐसे ही जैसे देश में अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही राज्यों में क्या होता है, एडवोकेट जनरल होता है। आर्टिकल 165 कहता है कि हर राज्य में एक एडवोकेट जनरल होना चाहिए राज्य में, ये आर्टिकल 165 में कहा गया है। अब कैग का देखते हैं, कैग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, कैग का अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, करते हैं अपॉइंट इनका। कैग का जो वेतन और भत्ते हैं भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं, ये भी सही है। कैग का जो सैलरी और अलाउंस है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की जो समेकित निधि है। कैग का कार्यकाल 5 साल का नहीं होता है, कैग का कार्यकाल 6 साल का होता है। कैग का जो टेन्योर होता है ये 6 साल का होता है, या तो वो 6 साल के हों या फिर 65 ईयर की एज कंप्लीट कर लियो, दोनों में से जो पहले हो जाए वही
उनका टेन्योर होता है। अगर 6 साल तक वो कैग रह लिए और 65 साल की एज नहीं हुई तो भी रिटायर होते हैं, या फिर चाहे उनके 4 साल ही हुए हो, 65 साल की उम्र हो गई हो, तो भी वो रिटायर होते हैं। उनका जो टेन्योर है या तो 6 साल सर्विस में रहेंगे या 65 साल की एज होगी। तो इस हिसाब से पहला और दूसरा सही है, सी इनकरेक्ट है। हम बात कर रहे थे एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल की, तो एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 में है। अभी प्रेजेंट में राजस्थान के एडवोकेट जनरल कौन है? अभी प्रेजेंट में राजस्थान के एडवोकेट जनरल हैं आरपी गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ये अभी प्रेजेंट में एडवोकेट जनरल हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। ये सीनियर एडवोकेट भी है राजस्थान हाईकोर्ट में और राजस्थान गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अगर ये चेंज होते हैं तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें, लेकिन आपको पता जब ही चलेगा जब आप यहां सब्सक्राइब करके रखेंगे रेगुलर बेसिस पे। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज एक जियोलॉजिकल वाटर बेल्ट है। क्या है? जियोलॉजिकल वाटर बेल्ट है ये। और ये जियोलॉजिकल वाटर बेल्ट कहां पे है? जैसलमेर जिले में है। लगभग 60 किलोमीटर की है ये एक भौतिक भौगोलिक बेल्ट है और इसको लाठी सीरीज नाम दिया गया है। भूगर्भीय जल पट्टी भौगोलिक बेल्ट या फिर भौगोलिक बेल्ट आंसर में नहीं है तो भूगर्भीय जल पट्टी ये लाठी सीरीज है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2-3 आपको घास के नाम दे दिए जाते हैं, उनमें एक नाम और दिया जाता है सेवण, सेवण घास। ये सेवण घास भी यहीं पाई जाती है इसी लाठी सीरीज में। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका कौन सा ऐसा स्थल है जो इंडस रिवर के तट पे नहीं है, सिंधु नदी के तट पे नहीं है? इस तरीके क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चन हुंदड़ो की बात करें, चन हुंदड़ो तो ये इंडस रिवर के तट पे है, और ये कब, इसको कौन से ईयर में इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था? 1931 में। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो है ये इंडस रिवर के तट पे है 1922 में। रोपड़ है, रोपड़ ये पुराना नाम है रोपड़, अभी इसका नया नाम कर दिया गया है रूपनगर, रूपनगर, और ये पंजाब में है रूपनगर जिला। और ये एक्चुअली सतलज नदी के किनारे और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास में बसा हुआ है। कहां पे? सतलज, नॉट इंडस। कोट दीजी है, ये इंडस रिवर पे ही है, इसको ईयर है 1955। हड़प्पा की बात करें, रावी नदी के किनारे पे है हड़प्पा। लोथल की बात करें तो भोग्या रिवर पे है। धोलावीरा की बात करें तो रनोक कच्छ पे है। सूरकोटड़ा की बात करें तो साबरमती है। कई बार बनावली, बनावली का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये सरस्वती नदी के तट पे है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा और बिल्कुल यूजफुल है। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।